दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं अपना बच्चा संभालू या आपका। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात के 9 बज रहे थे और अमूमन इस वक्त तक दीप्ति डिनर की तैयारियों में लगी होती थी, पर आज सब डिनर तक कर चुके थे। हल्की सी कॉमेडी मूवी लगाकर सब ठहाके लगा रहे थे। वही दीप्ति भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। सुबह के ग्रह कलेश का माहौल अब सुधरने लगा था और दीप्ति चाहती थी कि सोने से पहले सब अच्छे मूड से बिस्तर तक जाए। वैसे भी जिन समस्याओं का कोई हल तत्काल दिखे ना, उस पर हो हल्ला मस्सा कर क्या फायदा। मोबाइल पर सासू माँ का नंबर फ्लैश होते देख पहले तो दीप्ति का मन हुआ कि कॉल ना उठाए, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त माजीपुर सत्या रहती है और बिस्तर पर लेटे लेटे दिन भर का हाल लेगी। मूड वापस खराब होने की 100% सांच थे, परंतु शिष्टाचार वश दीप्ति ने फोन उठा लिया और बहू क्या चल रहा है। जी माजी टीवी देख रहे सब, अभी तक टीवी? अरे खाना कब बनाओगी, इतना लेट खाना? बीमा रियो को न्योता है। जी माजी खाना बन गया है और सब ने खा भी लिया है। ओहो, आज ये चमत्कार कैसे हुआ भला? तंज सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी हजम करते हुए दीप्ति ने ठंडी सवर में ही बात जारी रखी। बस आज ये जल्दी आ गए तो हो गया। हाँ, तो फिर सोने जाओ ना, यूं टीवी के सामने बैठ जबरदस्ती आंखें फोड़ रहे हो। फिर लेट सोना, लेट उठना रूटीन का सत्यानाश है तुम लोगों का। बच्चे को भी वही आदत डाल रहे, वो भी बीमार पड़ेगा। दीप्ति का मूड वापस खराब हो चुका था। उसने मोहित की तरफ देखा, जो अब भी बेफिक्र होकर सोफे में दसा ठहाके लगा रहा था। दुनिया से बेफिक्र 13 वर्षीय बेटा रुद्र अपने पापा के ऊपर लौटकर ऐसे हंस रहा था जैसे दिन भर इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। कुल मिलाकर सबके बीच मानसिक रूप से दीप्ति पीस रही थी। उसका जी सहा माजी को बोले था, उम्र रूटीन में रह कर भी आपने अपने बच्चे में ये आदत तो नहीं डाली और ना ही आप स्वास्थ्य का प्रथम गार्ड रहे। बीमारियों का क्या ही पूछना। फिर उसे ख्याल आया, वो सपने में भी ऐसी बहस किसी के साथ नहीं कर सकती थी, वरना ये घुटन वाला हाल आज नहीं होता। रुद्र के जरा से जवाब सवाल से वो इतनी आहत
थी तो अपने से बड़ों से बहस की। पक्षधर वो कभी रही भी नहीं, लेट डिनर की आदत उसे मोहित से शादी के बाद ही लगी थी। वो कितनी भी जल्दी बना ले, मोहित ऑफिस से लेट आता और फ्रेश होकर टीवी देखने के बाद ही खाता था। शुरू में दीप्ति अपना डिनर पहले कर लेती थी, फिर मोहित के साथ एक थाली में खाने को तरसती थी। धीरे धीरे लेट खाने की आदत, फिर लेट बनाने की, क्योंकि ठंडा खाना कोई पसंद नहीं करता था। रूटीन को लेकर मोहित शुरू से ही लापरवाह रहा था। जिंदगी को बस रोजाना एंजॉय करो वाला फंडा। उम्र बढ़ने के साथ भी जस का तस बना हुआ था बढ़ता वजन, अब सब की नजर में आ रहा था। रुद्र भी माँ की बातें ना सुनकर पिता को देखकर उन्हें फॉलो करता था। अब उसके बेतरतीब रूटीन से दीप्ति परेशान थी, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा था। ना समय पर नहाना, ना समय पर खाना और ना समय पर स्कूल के काम खत्म करना। यह सारी बातें घर में रोजमर्रा के बहस के विषय हो गए थे। रुद्र जान बूझ कर मोहित के घर आने के बाद पढ़ाई को बैठता था, क्योंकि उस समय दीप्ति मोहित के आगे पीछे डोलती थी जैसा कि वो चाहता था, और रुद्र को अपने मन की करने की आजादी। अगर कभी दीप्ति मोहित से इस विषय में आग्रह करती कि वो रुद्र को समझाए, तो वह गुस्से में दीप्ति से कहने लगता था कि इतनी देर से घर आने पर भी तुम्हारे सारे काम अभी निपटने होते हैं, मेरे आने से पहले सब निपटा लिया करो, ये पढ़ाई लिखाई और बाकी सब भी, मुझे घर का माहौल खुशनुमा चाहिए। दीप्ति अकेले पैरेटिग करके थक चुकी थी। मोहित अपने और अपनी खुशनुमा जिंदगी के बीच किसी की नहीं सुनता था। उसके अपने माता पिता भी जानते थे ये मन मौजी हैं और उनकी कभी नहीं सुनता है, तो सारी बड़ास वो दीप्ति पर निकाल लेते थे। ताने सुना कर दीप्ति वो भी मोहित से कहे तो एक ही जवाब की, लाइफ में सब लाइटली लो, इग्नोर करना सीखो। डिनर के टाइम से लेकर मोहित के घूमने फिरने के शेड्यूल को लेकर भी दीप्ति को रह रह कर सास ससुर से सुनना पड़ता था। वो सोचती थी तभी माँ पिताजी बड़े जेठ के यहाँ से इनके पास जल्दी आते नहीं, और जब आते हैं तो सीधा उन्हें कुछ कहते नहीं हैं। आसान टारगेट दीप्ति थी और कमजोर नस उनके हाथ। अरे बहू, मोहित का पेट देखा नहीं, कितना बाहर आ गया है, ख्याल रखा करो।
जरा सुबह उठकर टहलने ले जाया करो, खाने में हिसाब किताब रखो। तुम्हें फिक्र नहीं पति को कुछ हो गया तो, आजकल बीमारियों की कमी है क्या मोहित बच्चा, है क्या जो उसे गोदी में उठाकर दौड़ा दूं। दीप्ति सोचती और अंदर ही अंदर कूदते रहती थी, क्योंकि हमेशा मोहित को फिट कैसे रखो पर ज्ञान देती सास छुट्टियों में घर जाते ही। मोहित पर पराठे मिठाई और मठरियों की बारिश कर देती थी, तब तेल मीठा को लेकर सारे नियम कानून गायब रहते थे सबके। इस दोहरे व्यवहार से आखिरकार दीप्ति तंग आ चुकी थी। दीप्ति ने फैसला लिया कि वो रुद्र को हॉस्टल भेज देगी। ये खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। एक ही तो बच्चा है और संभालना इतना मुश्किल वाला ज्ञान शुरू हो गया। मोहित वैसे भी जहां दा रोक टोक ना सहता ना करता, उसने जहां दा सवाल नहीं किए, पर मोहित की माँ कॉल पर दीप्ति को निगल जाने को तैयार। कभी सोचा है बहू इतना आराम करके क्या करोगी, एक बच्चा है उसे भी तुम हॉस्टल डालना चाहती हो। नहीं माँ जी, मैंने सोच लिया है मैं एक ही बच्चा पाल सकती हूँ। हाँ तो एक ही तो है और दो भी होते तो ऐसे कौन कहता है। हाँ माँ जी, मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ और मैं या तो अपना बच्चा संभाल सकती हूँ या आपका। और अगर आपको लगता है कि मोहित की सारी आदतें खराब हैं, जीने का तरीका खराब है, तब तो आलम ये है कि या आपके बच्चे की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। अब कल को मैं अपनी बहू को ऐसे ताने दूं कि तुम इसे ये वो सिखाती संभालती क्यों नहीं, इससे अच्छा है अभी से ही उसे बेहतर बना लूं। आज जमानी बाद दीप्ति के अंदर का रोष फूटा था। कॉल के उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई, इस तरह मोहित भी सुनकर भौंसका था। रुद्र का बैग वापस उसके कमरे में रख कर मोहित ने दीप्ति से सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं मोहित, सबकी अपनी लाइफ है ना, तो बस मैं भी सहती हूँ, मुझे किसी की जिंदगी बिगाड़ने संवारने का जिम्मा ना दिया जाए। मैं अब थक चुकी हूँ, मैंने कहा ना सॉरी, मैं ही भूल गया था। अब लाइफ सिर्फ मेरी नहीं हमारी है और मैंने अपने आगे किसी को कभी रखा नहीं। मुझे लगता था आजाद रहने के लिए बस आजाद रहने दो वाला फार्मूला सही है, पर ये भूल गया कि मेरे साथ जुड़ी और जिंदगियां क्या सहती हैं। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। और सुनो, थोड़ा कम ठीक
भी चलेगा ना तुम्हें। मोहित की भोली मुस्कुराहट के आगे दीपति फिर हार चुकी थी। हाँ चलेगा बाबा, मुस्कुराते हुए दोनों ने रुद्र को इशारे से बुलाया, जो कोने में खड़ा हो रुआंचा हो सला था। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं अब से अपना ख्याल खुद रखूंगा, कभी तंग नहीं करूंगा, पर प्लीज मुझे साथ रहने दो। अपने कलेजे के टुकड़े को गले लगा दीपति रो पड़ी थी।